तो देवघर के त्रिदेव हॉस्पिटल में अपोलो के डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैंसर से होने वाले मरीज के बारे में बताया कि कैंसर के इलाज में खर्चा तो होता है, लेकिन इससे ज्यादा मरीज के परिजन जो उनके साथ आते जाते हैं उसमें भी खर्च बढ़ जाता है। इसी सबको देखते हुए डॉक्टर आदित्य मैत्री, डॉक्टर अमित चौरी ने डॉक्टर संदीप गांगुली ने बताया कि कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने से नहीं, आज के पॉल्यूशन के कारण एवं फैमिली जेनेटिक से भी होता है। कैंसर का इलाज बहुत से डॉक्टर के द्वारा होता है, जैसे सर्जरी के बाद केमोथेरेपी के लिए अगला डॉक्टर रहते हैं, सर्जरी अलग डॉक्टर करते हैं। इसी खर्च को कम करने के लिए अपोलो के डॉक्टर देवघर के त्रिदेव हॉस्पिटल में एक ट्यूमर बोर्ड का शुरुआत किया। हॉस्पिटल से आया है कलकत्ता से, तो हम लोग यहाँ पर एक ट्यूमर बोर्ड शुरू करना चाहते हैं। आज हम लोग एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित चौरी आया है और मैं डॉक्टर संदीप गांगुली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आया हूँ। तो हम लोग ये ट्यूमर बोर्ड शुरू करना चाहता है जहाँ से हम लोग को पेशेंट को जो कैंसर पेशेंट जो पेशेंट को जिस लोगों का कैंसर है उन लोग को हम लोग डायग्नोसिस करके सही तरीके से स्टेजिंग करके हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे के क्योर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी कैंसर हो एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैंसर के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए, एक पैथोलॉजिस्ट चाहिए जिसको बायोप्सी करके प्रूव करना चाहिए कैंसर है। बीमारी एक प्लेस में है तो सर्जन को ऑपरेशन करना चाहिए, ऑपरेशन के बाद ऑब्वियसली कीमोथेरेपी। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे हम लोग जैसे हैं उन लोग को कीमोथेरेपी। मैं दूसरी बार मुझे देवघर में आने का मौका मिला। पहली बार आने के बाद जो मुझे रेस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, तो मुझे दूसरी बार आने के लिए वापस देवघर में विवश किया है। आज भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और लोगों के इसी बढ़ते विश्वास को देखते हुए हम आगे भी इस तरह की सेवा को कंटिन्यू करने का एक प्रयासरत रहेंगे। हो सकता है हमें और जल्दी जल्दी आने की यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि हमें जो रेस्पॉन्स मिला है लास्ट टाइम के बाद उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं और हमारे कई पेशेंट्स ने हमें फ़ोन करके बोला है कि वो भी काफ़ी खुश हैं। तो हम भविष्य में भी और इस चीज़ को निरंतर